टुडे टॉपिक इज अबाउट प्रेजिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान और जो आज का लेक्चर है वो अलीब्श की तरफ से दिया जा रहा है चैनल का नाम है अलीब्श अकेडमी ठीक है और दिस लेक्चर इज़ गोना बी वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टी कैन ऑफ टेस्ट मे बी देयर इज पॉसिबल चांसिस दैट सम हाउ वन आर वन ऑफ दम दिस वन ऑफ क्वेश्चन फ्राम दिस वीडियो कम इन योर टेस्ट इन एनी कैन कॉम्पिटेटिव टेस्ट लाइक लेट देर आर मैनी एस एस टी बी पी एस फाइव फिफ्टीन एनी थिंग सो टूडे प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वस्ट कवर द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द हेड ऑफ़ दिलेक्टेड बाई सेनेट नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली फॉर द पीरियड ऑफ फाइव ईयर्स जो सदर होता है ना वो नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली की तरफ से पाँच साल के लिए चुना जाता है ठीक हो क्या अब जो हम पहला प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे वो है स्कंदर मिर्जा ठीक है स्कंदर मिर्जा ऑफ रिपब्लिक पार्टी बिकम द फर्स्ट लीडर टू बी टाइटल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1956 हाउएवर आफ्टर टू एंड हाफ ईयर्स ऑफ प्रेसिडेंसी स्कंदर मिर्जा वाज टेकन ओवर बाय जनरल अयूब खान इन द लाइट ऑफ मार्शल लॉ जो स्कंदर मिर्जा थे वो नाइनटीन में एज अ प्रेजिडेंट टाइटल्ड हुए प्रेजिडेंट बने और दो या आठ ढाई साल के बाद एयूब खान ने उनको बरतरफ कर दिया मार्शाला के वाइट मीन के मार्शाला के दौर में ठीक हो गया मोरवर पाकिस्तानी हिस्टोरियंस बिलीव आर दी ओपिनियन दैट स्कंदर मिर्जा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड पोलिटिकल इंस्टेबलिटी इन स्टेट बहुत ही हमारे हिस्टोरियंस हैं जो कि तारीख दान हैं उन सब का मानना है कि स्कंदर मिर्जा ही जिम्मेदार थे कि हमारी डेमोक्रेसी कमज़ोर हुई हम हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई ठीक है अब जो इनकी थी हम वो डिस्कस कर लेते हैं मिर्जा मिर्जा की मिर्जा दो साल सात महीने और चार दिन के लिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे ठीक है उन्होंने ऑफिस ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स में ज्वाइन की और ट्वेंटी सेवन अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तक फिफ्टी एट तक सॉरी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे ठीक है

द फर्स्ट जनरल टू इंटर इन टू पॉलिटिक्स पहला जनरल था मीनस के आर्मी से जो कि सियासत के अंदर इंटर हुआ एयूब खान जो कि पाकिस्तान का सेकेंड प्रजिडेंट uh, बना इसके अंदर मिर्जा को डिसमिस करने के बाद ठीक है अब जो इसके अंदर मिर्जा की ड्यूरेशन थी वो थी दस साल चार महीन चार महीने और ट्वेंटी सिक्स डेज ठीक है सॉरी ऐब खान की ना कि स्कंदर मिर्जा की बल्कि अयूब खान की ठीक है और आफिस 27 अक्टूबर 1956 को इसकंदर मिर्जा ने ज्वाइन किया और 25 मार्च 1969 तक हमारे प्रेसिडेंट रहे ठीक हो गया और स्टेटस क्या थी कि ये एक मिलिट्री डिक्टेटर थे मीनस के मिलिट्री के कोई बड़े अफसर थे ठीक है पॉलिटिकल पार्टी इनकी कोई नहीं थी क्योंकि ये आर्मी से बिलोंग करते थे ठीक हो गया अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम पढ़ लेते हैं जो हमारे थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं आगा मोहम्मद यहीयाह खान हु अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ ऑफ इन चीफ बाय जनरल अयूब खान बिकम द थर्ड प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान यही खान टुक प्रेजिडेंसी फ्रॉम फार्मर डिक्टेटर अयूब खान एंड इनफोर्स मार्शल लॉ इन द कंट्री खान आल्सो हेल्ड द फर्स्ट नेशन वाइड जनरल इलेक्शन पाकिस्तान नाउ नोन एज बांग्लादेश हेंस दिस रूल इज वाइडली एज द लीडिंग ऑफ द ब्रेकअप ऑफ ऑफ यूनिटी पाकिस्तान ठीक है आगा मोहमदैया खान जनरल ऐब खान की तरफ से एज अ कमांडर चीफ अपॉइंट हुए थे फिर उसने अयूब खान को टेक ओवर किया ठीक है और पाकिस्तान के थर्ड प्रेसिडेंट बने ठीक हो गया और कहा जाता है कि आ, आगा मोहम्मद यया खान पहले हमारे प्रेसिडेंट थे जिसने नेशन वाइड जनरल इलेक्शंस हेल्ड की जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान मीनस कि बांग्लादेश हमसे सेपरेट हो गया जो कि आज के नाम से बांग्लादेश से हम बांग्लादेश नाम से उसको जानते हैं ठीक है दिस रूल इज वाइडली रिगार्डेड द लीडिंग ऑफ 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 यूनिटी पाकिस्तान और यही वजह थी कि पाकिस्तान की यूनिटी दो कंट्रीज जुदा हो गए बांग्लादेश और पाकिस्तान ठीक है राहुल पिंडी नाइनटीन हंड्रेड एटी राहुल पिंडी में ये वफात कर गए उन्नीस सौ अस्सी में ठीक है टोटल ड्यूरेशन टू ईयर्स एट मंथ्स एंड ट्वेंटी फाइव डेज दो साल आठ महीने और पच्चीस दिन तक ये पाकिस्तान के ट रहे ठीक है इन ऑफिस मीन की प्रेजिडेंसी की इसने 25 मार्च 1969 को जोन की टिल द 20 दिसंबर 1971 ठीक हो गया और मिलिट्री इसकी स्टेटस इस ही मिलिट्री डिक्टेटर ये एक मिलिट्री डिक्टेटर थे इनकी कोई भी पार्टी नहीं थी ठीक है नॉन पार्टी कहा आर्मी से बिलोंग करते थे ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर फोर हम डिस्कस कर लेते हैं जुल्फार अली भुट्टो Zulfiqar Ali Bhutto, the founder of renowned public party, Pakistan People's Party, was given dictatorship by Yahya Khan after he disposed martial law. Bhutto served the torn apart Pakistan with the great passion and patriotism, rebuilt the deranged citizens into a strong nation. Bhutto was executed by General Zaya after being on death trolls for very long duration after he was falsely accused murdering his opponent. देखें एक पगली पार्टी है जो कि मशहूर है अभी तक है पाकिस्तान में पी 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 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनको फाउंड जिसने किया वो था जुल्फार अली भुट्टो ठीक है और जब ये आए तो इस, इस, इन्होंने मार्शल ख़त्म किया ठीक हो गया और फिर इसने पाकिस्तान के लिए पेशन के साथ काम किया मीन्स के बहुत जो कि डी अरेंज सिटीज़ थी मीन्स के जो अपार्टेड सिटीज़ थी उनको डी अरेंज किया पाकिस्तान के लिए थोड़ा काम किया और बाद में भुट्टोल एग्जीक्यूटेड बाय जनरल जिया भुट्टो को जनरल जिया की तरफ से फांसी दी गई ठीक है आफ्टर ही वाज फॉल्सली अकूज ऑफ इस मर्डरिंग ओपोनेंट मीन्स के इन, इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया कि आपने अपने ओपोनेंट को मारा है या कुछ यह, यही वजह थी कि जुफ्का अली भुट्टो को असेसिनेट किया गया ठीक हो गया अब जो इनकी टोटल ड्यूरेशन थी वो थी वन ईयर सेवन मंथ एंड ट्वेंटी फोर डेज एक साल सात महीने और चौबीस दिन ठीक है ये ऑफिस में ट्वेंटी दिसंबर नाइनटीन में आए ठीक है और थर्टीन अगस्त नाइनटीन तक एज अ प्रेजिडेंट सर्व करते रहे ठीक है ट्वेंटी दिसंबर 1971 से लेकर थर्टीन अगस्त 1973 तक स्टेटस क्या थी कि इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली थे इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली थे मीनस के डेमोक्रेटिकली जमूत के लिहाज से ये सिलेक्ट किए गए और इनकी जो पार्टी थी वो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक है अब क्वेश्चन हमारे जो पाँचवें प्रेसिडेंट हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं फजुल अलाही द फिफ्थ प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ़ पाकिस्तान ज्वाइन द पॉलिटिक्स विथ मुस्लिम लीग पार्टी नॉलेस इन नाइनटीन ही थ्री द टिकट ऑफ प्रेजिडेंट फ्रॉम पी एंड पी एंड एंड ज्वाइनिंग इट ठीक है जो फजुल थे वो हमारे स्पीकर थे फर्स्ट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली जिन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और उनकी पार्टी थी मुस्लिम लीग पार्टी और 1973 में उन्होंने टिकट जीता पीपी पीपी की तरफ से और वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने ठीक हो गया और इनकी ड्यूरेशन क्या थी पाँच साल एक महीना और तीन दिन इनकी ड्यूरेशन थी इन्होंने ऑफिस में थर्टीन अगस्त नाइनटीन सेवन थ्री को ज्वाइन किया मीन्स कि एज अ प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए सिक्सटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन सेवेंटी एट तक ये पाकिस्तान के प्रेजिडेंट रहे ठीक हो गया स्टेटस क्या थी ये डेमोक्रेटिकली प्रेसिडेंट uh, बने थे ठीक है और इनकी पार्टी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फजल की ठीक हो गया अब कुछ न, हमारे जो प्रेसिडेंट uh, हैं, वो है जयाहुल हक ठीक है द फोर स्टार जनरल इम आफ्टर डिस्पोजिंग इम्पोजिंग मार्शल ऑफ इज टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स एंड टू अमेरिकन डिप्लोमेट्स इन मिस्टर्स प्लेन क्रैश नियर बाहुलपुर ऑन सेवनटीन अगस्त 1988 हंड्रेड एटी एट जियाल थे वो हमारे प्रेसिडेंट बने आने के बाद ही इन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दी ठीक है नाइनटीन एट में और ये मारे गए थे ऐसे ही कुछ आ, मिलिट्री ऑफिसर्स और अमेरिकन डिप्लोमेट्स की तरफ से एक मिस्टीरियस प्लेन क्रैश में मीनस के आ, मारे गए नियर बाहुलपुर ऑन सेवनटीन अगस्त 1988 हंड्रेड एटी एट अगस्त उन्नीस को ये एक प्लेन क्रैश में मारे गए एक साजिश के तहत ठीक है इनकी जो टोटल ड्यूरेशन दुरेंश, थी एज अ प्रेजिडेंट वो थी नौ साल ग्यारह महीने एक दिन और इन्होंने ऑफिस में सिक्सटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन टिल द अगस्त सेप्टर उन्नीस सौ अठहत्तर से लेकर सत्रह अगस्त उन्नीस तक ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे ठीक है अब इनकी स्टेटस क्या थी मिलिट्री डिक्टेटर थे ठीक है मिलिट्री से बिलोंग करते थे इनकी कोई पार्टी नहीं थी ये आर्मी से थे ठीक है अब क्वेश्चन एक फैक्ट है इसके बारे में हम जान लेते हैं जिया लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ स्टेट टिल द प्रेजेंट फॉर ऑलमोस्ट टेन एज ही रिजन टर्मिनेटेड विथ डेथ देखें जब स्कंदन मिर्जा प्रेजिडेंट थे तब उनको एक प्लेन क्रेश में मारा गया था मीन्स के ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेजिडेंट थे पाकिस्तान के दस साल के लिए जो कि आज तक कोई भी नहीं बन सका ठीक है Oh and uh, we are going to end our lecture of today uh, we hope that you got such kind of great information from this video and uh, one request that kindly subscribe the channel also like the video press the bell icon so that you could get the further notification of this channel for getting a lot of information so we are going to end this lecture till then take care Allah Hafiz